सर मेरी यही दिक्कत है कि आज इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हैं तो आज पढ़ाई के वजह से हमें नुकसान बहुत हो रहा है। अगर मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया रहता, बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया रहता, नॉलेज अच्छा खासा ले लिया रहता। जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यूट्यूब का बहुत ट्रेंड चल रहा है और यूट्यूब से हर कोई पैसे कमा रहा है अनगिनत मात्रा में, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, 20 साल का बच्चा हो या फिर 50 साल का कोई व्यक्ति हो। और ऐसे में ये सारी बातें सोचना कहीं से भी गलत नहीं है कि मैं भी पैसे कमाऊं, लेकिन मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हूं और बाकी के यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। देखिए, ये एक चैनल है बुलेट सिंह बोईसर, 465K सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी वीडियोस इन्होंने अपलोड कर चुके हैं। और जो ये वीडियो डाले हैं, इसमें इन्होंने क्या बात की है इस वीडियो में, अभी पहले आप वो देख के आइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है भाई, आज मतलब एक मैंने टॉपिक स्टार्ट किया जो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ, वो है स्टडी। स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन, ये पूरा करना ही चाहिए। काफी दिनों से ना बहुत रियलाइज हो रहा है कि यार स्कूल टाइम में मैंने थोड़ा ध्यान दिया रहता, थोड़ा अपने आप पे पढ़ाई पे ध्यान दिया रहता तो आज काफी अलग रहता। मतलब आज इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, इतने लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों लोग देखते हैं, सब सोचते हैं कि बुलेट सिंह कब आगे जाएगा, कब आगे जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब सब कुछ होने के बाद, इतने अच्छे अच्छे राइड करने के बाद, अब अपडेट होगा, अब अपडेट होगा, अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है। उसमें एक मेन बड़ी चीज़ है, पूरी तरह से नॉलेज नहीं, मतलब शिक्षा का, स्कूल का, कॉलेज का। अभी तक मैं किसी एक बड़े ब्रांड को अप्रोच नहीं कर पाया, किसी बड़े ब्रांड के साथ कोलैब नहीं कर पाया कि मैं अपने राइट्स की, मैं अपने राइट को और बढ़ा सकूं और भी बड़े बड़े राइड कर सकूं। अगर मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया रहता, बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया रहता, नॉलेज अच्छा खासा ले लिया रहता, मतलब यू नो अभी के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश भाषा, इंग्लिश स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है अभी के टाइम में यार, एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे पूरा काम इंग्लिश में होता है। तो बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देता नहीं था, मैं खाली काम किया करता था, काम में भागता था यहाँ वहाँ, कभी ध्यान दिया नहीं, पता भी नहीं था कि भाई इतने आज जाके मतलब स्कूल के बाद एक यूट्यूबर बनेंगे और ऐसा करेंगे। तो आज पढ़ाई के वजह से हमें नुकसान बहुत हो रहा है। हाँ, किसी ब्रांड के साथ कोलैब करना, किसी ब्रांड को अप्रोच करना, मतलब बड़े बड़े जो होते हैं, समझ गए ना, जो एडवर्टाइजिंग चाहते हैं, उनके साथ मैं बात नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं बात करना, कैसे करना, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखा ही नहीं है और ये सारा काम इंग्लिश में होता है। हिंदी में किसी से बात करने जाओ, वहाँ पे हम अपना लेवल गिर जाता है, ऐसा होता है, एक्चुअल है ये। सर मेरी यही दिक्कत है कि आज इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हैं और इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे फॉलोवर्स हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक अच्छा ब्रांड नहीं है मेरे पास, एक अच्छे मतलब अच्छी कंपनी नहीं है जो मुझे स्पॉन्सर कर सके। ऐसा टाइम है ना, सब दिख रहा है मेरे को यार, ध्यान दिया रहता आज मैं अपने प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से और डेवलप करता और उसका सही फ़ायदा मैं उठाता। आज जो बाकी लोग उठा रहे हैं फ़ायदा क्या, मतलब मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, हम बस मेहनत करे जा रहे और इतना मेहनत किया कि अपनी पूरी सेविंग ही ख़त्म कर दी। मैं उससे बात करता हूँ, एक दो मेल बात होता है, फिर उसके बाद वो गाड़ी अटक सी जाती है, क्योंकि उसके आगे क्या बात करना है, उनसे कैसे बात करना है, मैं वही नहीं कर पाता और ये सारी बात इंग्लिश में करनी पड़ती है। अब आप ये सोचिए कि इतने बड़े लेवल पे होके ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोस्त, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपको अगर हर कोई बोलता है तो आप ध्यान नहीं देंगे उस बात पे, लेकिन आप सोचिए ये बंदा इतने ऊपर आके ऐसी बात कर रहा है, तो आप सोचिए पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोल रहे हैं कि मुझको ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं। अब ब्रांड्स ना मिलने से और इंग्लिश ना आने का ऐसा कोई रीज़न नहीं कि इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज मात्र है, हिंदी में भी कंपनी वाले बात करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, नहीं आती है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इनके चैनल पे अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके हिसाब से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए इनको ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं और इनको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर मैं बात उतने अच्छे से नहीं करता हूँ, इंग्लिश में सोच समझ नहीं पाता हूँ, कंपनी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे को ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। लेकिन ये वीडियो बनाने का एम यही है कि भाई आपको कोई कितना भी बोल दे, जैसे मैं ही सिर्फ बोल दूंगा कि भाई देखो पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार बाकी के सब बच्चे तो कमा ही रहे हैं, बिना पढ़े वो लोग कमा रहे हैं, तो ऐसे में आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया कि आप देखिए
आगे जाके आप भी अगर कल को ग्रो कर जाएंगे ना, तो आपका माइंड उतना काम करेगा ही नहीं। आप अपना जो भी बिजनेस रहेगा उसको स्प्रेड कैसे करोगे? हमको लगता है कि यार जितने भी बिजनेसेस चलते हैं वो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखिए, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंग्लिश जरूरी है, लेकिन एक बात है, जिसको इंग्लिश आती है ना उसके पास वाकई में नॉलेज होता है। ये बात हर जगह फिट नहीं होती है, इंग्लिश मात्र एक लैंग्वेज है, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं और अगर आपको कोई बोलता है कि इंग्लिश में बात करो तो ये उसके लिए शर्म की बात है, आपके लिए नहीं। इस वीडियो में आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, यूट्यूबर बनिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। आज अगर आप YouTube पे देखेंगे तो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, 10वीं पास भी हैं, 10वीं फेल भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन बढ़ता है? जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप देखिए, आज फटाफट कुछ भी वीडियोस बना के ग्रो तो कर जाएंगे, लेकिन YouTube बहुत लंबी जर्नी है। आपको कोई भी कंटेंट खोजने के लिए, कुछ भी चीज़ सोचने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। आप जो भी कुछ कंटेंट बना रहे हैं, कभी कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप गूगल करेंगे उसको, और गूगल करेंगे ना तो मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में ही मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तभी तो आप अपनी ऑडियंस को बता पाओगे, और पढ़ पाओगे कब, समझ पाओगे कब, जब आपकी स्कूलिंग अच्छे से हुई रहेगी। ये बंदा बोल रहा है कि मैं अपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया, आज मेरे पास 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो तो गए हैं, लेकिन मैं अपने उस चैनल को आगे लेके नहीं जा पा रहा हूँ। कई चैनल्स आप देख सकते हैं और आप जानते भी हैं कि YouTube पे मैक्सिमम यूट्यूबर्स आप भी देखे होंगे जिनको इंग्लिश आती है बोलना। अब इस वीडियो में ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इंग्लिश जाके आप सीखने लगो, नहीं यार, मेरा ये बोलने का मतलब है कि पहले आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करो, पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद यूट्यूब पे आने की सोचना। साइड बाय साइड भी कर सकते हो, लेकिन पूरा फोकस यूट्यूब पे कभी मत देना। यूट्यूब ना अगर आपको बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है भाई। देखो, अगर 100 लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, तो मेरा मानना है आज के समय में 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो पास नहीं हो पाते, यूट्यूब पे फेल हो जाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो ग्रो कर जाते हैं, बाकी सबकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो पहले पढ़ाई करो, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, ये सब इतने तो यूट्यूबर्स होंगे, आपके मम्मी पापा, आपके अड़ोस पड़ोस के सभी लोग पहले बोलते हैं कि कोई भी चीज़ करने के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका माइंड विकसित नहीं होगा तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये वीडियो मैंने सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया कि मैं बोल दूंगा आप मेरी बात पर यकीन कर लोगे। आप देखिए, लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 4.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो बंदा आपको ऐसा बोल रहा है। तो आप मेरी बात मत सुनो, लेकिन इनकी बात तो कम से कम आप सुन ही सकते हो ना। तो दोस्त, अगर आप अभी स्कूल में हो तो पहले पढ़ाई करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पहले पढ़ लो, उसके बाद यूट्यूब तो लाइफ टाइम करोगे यार। आपके लाइफ का जो ये टाइम चल रहा है ना, ये टाइम लौट के दोबारा नहीं आएगा, लेकिन यूट्यूब आपके लिए हमेशा यहीं रहेगा। कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा, लेकिन जो समय अभी निकल गया ना, आप आगे उसको नहीं अचीव कर पाओगे। समय बहुत बलवान है भाई, बहुत खतरनाक है, ये लौट के नहीं आता, रुला देगा आपको। इसलिए पहले पढ़ लो, उसके बाद यूट्यूबिंग करना, या फिर साइड बाय साइड करते रहो, पढ़ाई में ध्यान देते रहो, प्लस यूट्यूब भी करते रहो। बस इतनी सी बात मैं आपको बोलना चाहता था। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपकी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सीताराम।